दोस्तों फाइनली आईफोन की प्राइस ड्रॉप हो चुका है। अगर आपको परचेज करना है कोई भी आईफोन, जैसे कि आईफोन 11, आईफोन 12 या आपको परचेज करना है आईफोन 13, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप देखने मिल रहा है फ्लिपकार्ट के तरफ से। फ्लिपकार्ट में बिग सेविंग डे सेल चालू होने वाला था, इससे पहले वीडियो में मैंने बता दिया था। और ये जो सेल चालू होने वाला था 3 मई से लेके 8 मई तक, मतलब लगभग 5 से 6 दिन ये सेल चालू होने वाला था। मतलब आज की डेट में सेल चालू हो चुका है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन सा डील आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जिस डील की फायदा आप ले सकते हो। मतलब आपको अगर आईफोन 11 लेना है या 12 लेना है या 13 लेना है, बहुत अच्छा डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। और उसके साथ मैकबुक में भी ऑफर मिल रहा है गाइज, अगर आपको मैकबुक एयर लेना है उसमें भी ऑफर मिल रहा है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा आईफोन रख देता हूँ और हमारे आईपैड को उठा लेते हैं। तो अभी हम फ्लिपकार्ट की ऑफर पेज में है, यहाँ पे देख सकते हो 3 से लेकर 8 मई तक ये सेल चालू होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारा ऑफर है, मतलब एंड्रॉइड फोन में भी अच्छे खासे ऑफर देखने मिल रहा है। बट हम बात करेंगे आईफोन के ऊपर क्या ऑफर देखने मिल रहा है। यहाँ पे गाइस देख सकते हो आईफोन का एक पूरा हाईलाइटेड टीजर दिया गया है। यहाँ पे आईफोन की टीजर दिया गया है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सरप्राइजिंग प्राइस देखने मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो बिग सेविंग डे और यहाँ पे 3 से 8 मई तक यहाँ पे माइंड ब्लोइंग ऑफर्स लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे आईफोन 11 देख सकते हो 37999 में मिल रहा है और यहाँ पे आईफोन 12 जो है वो मतलब 49999 में मिल रहा है, बिलो 50 के मिल रहा है। और आईफोन 13 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 66,499 रुपीज, मतलब 66,500 के साथ आप लोग को आईफोन 13 देखने मिल रहा है। बेस्ट डील आप लोग को कौन सा होगा मैं आप लोग को बता दूं। यहाँ पे ये सारे जितना भी प्राइस है आफ्टर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, अगर आप आईफोन 11 को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 39999 में दिख रहा है। बट अगर आप क्लिक करेंगे तो SBI क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2000 ऑफ देखने मिल जाएगा। आपके पास अगर SBI की क्रेडिट कार्ड है तो आप लोग आईफोन 11 को 37999 में खरीद सकते हो। और यहाँ पे आईफोन 12 की जो प्राइस है इसको अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखने मिलेगा 51999 में। यहाँ पे देख सकते हो 64GB वेरियंट जो 51999 में मिल रहा है। बट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है 2000 आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपकी 49999 में देखने मिल जाएगा। बस आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए SBI की, ओनली क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही ऑफर देखने मिल रहा है। अगर आपको आईफोन 13 परचेज करना है यहाँ पे आप लोग 66,499 रुपीज में खरीद सकते हो। बट अगर आपको आईफोन 13 खरीदना है मैं बोलूँगा थोड़ा वेट कर लेना अमेजन सेल तक, क्योंकि कल से 4 मई से अमेजन में भी सेल देखने मिलेगा। और अमेजन टीजर निकाल दिया है बहुत अच्छे, मतलब प्राइस तो रिवील नहीं किया है बट टीजर अच्छा हाईलाइटेड निकाल दिया है, थोड़ा वेट कर लेना यार। यहाँ पे जो प्राइस मिल रहा है ये तो रहने वाला है, बट आप लोग अमेजन के तरफ से थोड़ा देख लेना ताकि वहाँ पे अगर अच्छे डिस्काउंट देखने मिल जाए तो आप लोग की लाल हो जाएगा, मतलब अच्छे डिस्काउंट के साथ आप लोग को आईफोन 13 मिल जाएगा। और यहाँ पे आईफोन SE का भी प्राइस ड्रॉप हुआ है थोड़ा बहुत, मतलब 29,249 रुपीज के साथ आपको आईफोन SE भी देखने मिल रहा है। बट वो डिवाइस आपको जमेगा नहीं, मतलब आपको सुइटेबल नहीं लगेगा, इसीलिए अगर उस डिवाइस को लेना चाहते हो तो 12 मिनी ले लेना थोड़ा बजट बढ़ा के। अगर हम मैकबुक की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 83,000 के अंदर, 83,990 रुपीज के अंदर आपको मैकबुक एयर M1 देखने मिल रहा है। बट उसके ऊपर आप लोग कार्ड ऑफर भी ले सकते हो, मतलब 2000 एक्स्ट्रा ऑफ देखने मिल जाएगा। जैसे कि 83999 मतलब 84 से आप लोग 2000 ऑफ कर देना, इसके साथ 82 के साथ आप लोग को मैकबुक एयर देखने मिल जाएगा। बट मेरा सलाह यही रहेगा आप फ्लिपकार्ट से मैकबुक एयर मत खरीदना, आइदर आप ऑफलाइन स्टोर को विजिट कर लेना, वहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट देखने मिल रहा है। नहीं तो आप अमेजन सेल तक वेट कर लेना, अमेजन में बहुत अच्छा
मतलब प्राइस ड्रॉप देखने मिल सकता है जो 4 मई से सेल चालू होने वाला है। मेरा यही सलाह रहेगा, आप अमेजन सेल तक वेट कर लेना और वहाँ पे मैंने लिंक भी दे रखा हूँ, उससे परचेज करेंगे तो थोड़ा बहुत चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन यही रहेगा आप लोग के लिए, अगर आपको आईफोन परचेज करना है तो आप लोग आईफोन 11, आईफोन 12 फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, अगर 13 लेना है तो वेट कर लेना अमेजन सेल के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप जरूर कमेंट करना कौन सा डिवाइस आप परचेज करना चाहते हो और कितना बजट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, सही।